प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ दौरा, पीएम मोदी ने केदारनाथ में की पूजा अर्चना, केदारनाथ में विकास कार्यों का लिया जायजा, केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया, स्थानीय लोगों से पीएम मोदी ने की बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी 8 साल में छठी बार केदारनाथ पहुंचे, इस दौरान उन्होंने पहना पारंपरिक पहाड़ी परिधान, चोला डोरा पहनकर विधि विधान से की पूजा, वहीं पीएम मोदी ने हिमाचली पारंपरिक टोपी भी पहनी। पीएम मोदी ने भगवान की भक्ति के साथ ही उत्तराखंड में मंदाग्नि आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचकर आदि गुरु शंकराचार्य को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने की बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, कई विकास कार्यों की रखी आधारशिला, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के बाद पीएम मोदी ने बद्रीनाथ को माणा का दौरा किया, इस दौरान पीएम मोदी ने सरस मेले का भी अवलोकन किया, वहीं स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने माणा गांव में जनसभा को संबोधित किया, कहा माणा भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है, सीमा पर बसे आप जैसे सभी साथी देश के सशक्त प्रहरी हैं। बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी सर्दी का एहसास शुरू हो चुका है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ क्षेत्र में हिमपात हुआ। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, अपर सियांग में सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे, 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी 1 के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन का महबूबा मुफ्ती को नोटिस, कहा खाली करें महबूबा मुफ्ती सरकारी बंगला, श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में है सरकारी बंगला। पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन उत्तर प्रदेश में मनाया गया, पुलिस स्मृति दिवस इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। हिमाचल में जनसभा और रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी, 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक करेंगी 4 रैली 4 रोड शो, प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को जाएंगी मंडी और कुल्लू, 3 नवंबर को कांगड़ा और चंबा में जनसभा रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा, उससे पहले अयोध्या में लेजर लाइटिंग की और सरयू घाट पर आरती की गई। दिवाली से पहले ही फूलने लगा दिल्ली का दम, एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर खराब की श्रेणी में, एनसीआर के इलाकों में भी खराब होने लगी हवा। ब्रिटेन में चुनाव के 45 दिन बाद बड़ा सियासी उथल पुथल, पीएम बनने के 45 दिन बाद लिज ट्रस का इस्तीफा, कहा मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी, इसका अफसोस है, कहते हुए दिया इस्तीफा, अब ब्रिटेन के नए पीएम के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक का पलड़ा भारी। देश में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2119 नए केस सामने आए, वहीं देश में इस समय 25,037 सक्रिय केस हैं, वहीं इस दौरान 2582 लोग कोरोना से रिकवर हुए। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, बांग्लादेश के तट पर 25 अक्टूबर को पहुंचेगा साइक्लोन, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, तटीय क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश। मैक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेल टैंकर में टकराने के बाद आसपास के कई घरों में लगी आग, घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में कटाव के कारण कई घर गंगा में बह गए, डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने कहा कि सबोर में एक जगह पर कटाव हो रहा है, कटाव में अगर गृह क्षति होगी तो गृह क्षति का अनुदान हम अभिलेख स्वीकृत कराकर संबंधित को देंगे। झारखंड के रांची में डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, यहां नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सफाई और अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, डेंगू का मामला सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जयपुर के सांगानेर में गैराज के बाहर खड़ी 2 कारों में आग लगाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस कर रही मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ की मंगलवार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से 45 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया, पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कोटा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में बॉलीवुड गीतों का जलवा देखने को मिला, विजयश्री रंगमंच पर सिने संध्या में सिंगर कनिका कपूर, विनोद राठौड़ और चांदनी मुखर्जी ने अपने सुपरहिट गानों की प्रस्तुतियां दी।
राजसमंद के भीम में दीपोत्सव मनाया गया। हनुमान मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भीम उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत, तहसीलदार महिपाल सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पटवारी सचिव सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने अवैध पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस पकड़े। नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार युवकों की तलाशी में पिस्टल मिली। बाइक सवार एक युवक से पुलिस ने बरामद की पिस्टल, जबकि दूसरे आरोपी से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर कांस्य पदक जीतकर चित्तौड़गढ़ पहुंची वॉलीबॉल टीम। टीम के खिलाड़ियों का हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, सभापति संदीप शर्मा ने स्वागत किया। कोटा में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में यात्री का बैग चुराने वाले 2 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों दिल्ली निवासी मुलायम सिंह और असम निवासी अजय बोरो हैं। परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरा पोखरण, अब देशी विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। पर्यटक सीजन प्रारंभ होते ही देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पोखरण पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। कोटा में जरूरतमंदों की खुशनुमा दीपावली बनाने के लिए सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। JCI कोटा स्टार जूनियर विंग के बच्चों की ओर से घर घर उजियारा थीम पर कार्यक्रम शुरू किया है। नागौर के डिगाना में चारभुजा ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव देशवाल सहित सभी प्रतिभागियों को खेल खेलने की भावना के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल के बेड़े में अब पीडियाट्रिक केयर और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस शामिल हो गई है। लंबे समय से हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत अस्पताल के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के प्रयासरत थे। सवाईमाधोपुर के बोली में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भैरव मंदिर विकास समिति गंगवाड़ा के नेतृत्व में आयोजित भजन संध्या का दौर अलसुबह तक चला। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवाहा ने अपने बेटे डॉक्टर नृपेण कछवाहा को MBBS की डिग्री प्रदान की। डॉक्टर नृपेण कछवाहा ने चर्म रोग विभाग के आचार्य के रूप में पश्चिमी राजस्थान में ये पहला उदाहरण सेट किया है। चित्तौड़गढ़ में दिव्यांग नेत्रहीन शांतिलाल बैरवा ने 2 मेडल जीते। बेगू विधानसभा के शादी गांव निवासी शांतिलाल बैरवा ने फोन पर हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से मिलने की इच्छा जताई। बहुजन समाज पार्टी के शंकरलाल मेघवाल को धमकी से जुड़ी खबर है। पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपकर धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जालौर में 82,32,000 से पर्यटक स्थलों पर जनसुविधा को लेकर विकास कार्य होंगे। जालौर में विकास कार्य के लिए बजट घोषणा। वर्ष 2022-23 के अनुसरण में 2 पर्यटक स्थलों पर नवीन विकास के लिए 82,32,000 राशि की स्वीकृति दी गई है। सवाईमाधोपुर के मलाना चौड़ी कस्बे में प्रशासन के विकास कार्यों के दावों की पोल खुल गई। बुजुर्ग की अर्थी को लेकर परिजन और ग्रामीण 3 फीट भरे पानी में गुजरे। खान मंत्री और AICC से राजकोट लोकसभा प्रभारी प्रमोद जैन भाया और AICC से सह प्रभारी विधायक पानाचंद मेघवाल ने राजकोट में बैठक ली। राजकोट में गोंडल चौकड़ी में रिसोर्ट में आयोजित बैठक में राजकोट ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र 71 के मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। दीपावली से पहले ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर की आबो हवा दूषित हो रही है। इसका मुख्य कारण वाहनों पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद धूल के कण है। सिरोही के भटकड़ा क्षेत्र में किराए के घर में रह रही एक विधवा महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक महिला कंचन राव चांदना गांव की निवासी थी और सिरोही के भटकड़ा में किराए के मकान में रहती थी। झालावाड़ शहर में पुलिस दिवस मनाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने यहां परेड की सलामी ली। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के सम्मान में SP अनिल बेनीवाल ने अमर जवान स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए और परिसर में पौधारोपण किया। जालौर के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना के ठेकेदारों का 1 साल बाद भी भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। नर्मदा नहर कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया और नर्मदा नहर के अधिकारी से मुलाकात कर बकाया भुगतान करने की मांग की। राजसमंद पुलिस लाइन परिसर में शहीद पुलिसकर्मियों को सशस्त्र सलामी दी गई, साथ ही पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे। अलवर में कलयुगी पिता की घिनौनी करतूत सामने आई। दरिंदे बाप ने 9 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया। वहीं चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार पोसवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद की काकरोली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे टॉप 10 वांछित में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। काकरोली थाना पुलिस के मुताबिक अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया।
जालौर में पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बूंदी में पुलिस दिवस मनाया गया, इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ड्यूटी करते देश सेवा के लिए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। जालौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। बालिका दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में जिला स्तर पर विजेता रही छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। देश भर की तरह कुचामन सिटी में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर कुचामन में शहीद फैज मोहम्मद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसलमेर नगर परिषद के नवनियुक्त कमिश्नर लजपाल सिंह ने पदभार ग्रहण किया। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला और उपसभापति खीम सिंह ने स्वागत किया। जालौर के राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा एवं जन शिकायतों परिवेदनाओं के निवारण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पीसांगन में गोविंदगढ़ चौराहे के पास में स्थित एक कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। पैर फिसलने से असंतुलित होकर महिला कुएं में जा गिरी। जालौर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया, साथ ही बाइक रैली भी निकाली। शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में एसपी अनिल बेनीवाल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जालौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने प्राकृतिक आपदा अग्निकांड से प्रभावित चार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 24,000 रुपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। जालौर में राज्य सरकार द्वारा सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न योजनाओं के आवेदन शुरू हो गए। इसमें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना और संबल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन योजना के आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। जालौर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में चितलवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 34 कार्टून अवैध शराब जब्त की। सिरोही विधायक सैम लोढ़ा की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई। सिरोही शहर के लिए 5 बावड़ियों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। जालौर के बागरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान में हुए नकबजन की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक नकबजन को गिरफ्तार किया। भरतपुर जिला प्रशासन एवं साइकिल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली निकालकर भरतपुर दीप महोत्सव का आगाज किया गया। ये साइकिल रैली कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई। राजीव गांधी ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। कबड्डी में कांस्य पदक जीतकर नागौर डेगाना का नाम रोशन करने वाली गुंदीसर कबड्डी टीम का डेगाना आगमन पर शानदार स्वागत किया गया। बूंदी के केशव राय पाटन को स्वच्छ बनाने और दीपोत्सव पर्व को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में स्वच्छता का संदेश दिया गया। बारा रिजर्व पुलिस लाइन में अमर शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। ड्यूटी पर शहीद जवानों को याद कर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। टॉक पुलिस द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसपी मनीष त्रिपाठी ने मार्च पास्ट की सलामी ली। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद इस बार लोग खुले तौर पर दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में बाजारों में चहल पहल अच्छी खासी दिख रही है। धौलपुर में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर पुलिस की ओर से शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन परिसर में शहीदों की शहादत को याद किया गया। नागौर सीकर सड़क मार्ग पर टोल बूथ पर युवक के साथ मारपीट का मामले को लेकर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताया। सीकर की लाडनी कल्याण समिति द्वारा गोद ली गई बालिकाओं को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने दीपावली के अवसर पर मिठाइयां और ड्रेस गिफ्ट की। टॉक एसपी मनीष त्रिपाठी ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिले के सभी सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें सुरक्षा संबंधी समीक्षा की। अलवर के बांसूर थाना प्रभारी राजकुमार राजौरा के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 1500 किलो नकदी कलाकंद लेकर जाते हुए आरोपियों को पकड़ा। बांसवाड़ा के उदयपुर मार्ग पर एक फाइनेंस की दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की और वहां पर कार्य कर रहे 2 लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पिछले 1 महीने से अधिक समय से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई। भरतपुर में आंदोलन के संयोजक और सफाई कर्मियों की ओर से भरतपुर के बिजली घर से सफाई शुरू की गई है। जोधपुर में दीपावली के त्यौहार के चलते सजे मिठाइयों के बाजार रातानाड़ा से लेकर सोजती गेट के और जालौरी गेट के बाजार भी सज चुके हैं। नवसृजित पंचायत समिति भनियाणा में 29 नए कनिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करवाया गया। भनियाणा प्रधान डोली रणवीर सिंह गोदारा और विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करवाया। लाडू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसके तहत शहर की कई मिठाइयों की दुकानों और मावा बनाने वाली दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की।
ब्यावर में राजस्थान पेंशनर समाज ने राज्य के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की। अपनी मांग को लेकर शाखा पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन दिया। जालौन में दीपावली पर्व को लेकर आज एक साथ सुंदीलाव तालाब पर 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। दीपदान कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर निशांत जैन खुद पीले चावल बांट रहे। जोधपुर में पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ की मौजूदगी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस लाइन परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जालौर में नर्मदा नहर परियोजना के तहत किसानों की नहरों में फसलों की सिंचाई के लिए पानी कल से मिलना शुरू हो जाएगा। भरतपुर की पुलिस लाइन परिसर में पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को याद किया गया। इस दौरान आईजी रेंज गौरव श्रीवास्तव समेत कई पुलिसकर्मियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्यावर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा वर्तमान में ब्यावर उपखंड अधिकारी के पद पर पदस्थापित राहुल जैन का स्थानांतरण माउंट आबू हो गया है। ब्यावर में दीपोत्सव को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में सजे पटाखा बाजार, पुलिस और प्रशासन की ओर से दुकानों की सुरक्षा जांच की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम ने दुकानदारों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अजमेर के ब्यावर में पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी परिवार को आवासीय पट्टा जारी हो। ब्यावर नगर परिषद में 201 परिवारों को पट्टा वितरण किया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बारा की ग्राम पंचायत कलमंडा में कोविड आपदा के दौरान अनाथ हुए बालक एवं परिजनों से मुलाकात की। त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी मिठाइयों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। दौसा के महुआ में लूट के प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर के समीप 10 सितंबर को बाइक सवार के साथ हुई थी लूट। डूंगरपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय मुंबई के तत्वाधान में सतर्कता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डीडवाना में 12 नवंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। डीडवाना एडीजे न्यायालय में होगा लोक अदालत का आयोजन। फतेहपुर शेखावटी में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की है। डूंगरपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज आयोग के अध्यक्ष और पूर्व पीसीसी चीफ रामेश्वर लाल डूडी का लक्ष्मणगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे के हाट मैदान इलाके में एक युवक पुष्पेंद्र को मामूली कास होने के बाद गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, इलाज जारी है। प्रदेश सरकार द्वारा रीट लेवल 2 में घटाए गए पदों को वापस बढ़ाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ में बीएड संघर्ष समिति की ओर से ये रैली निकाली गई। मकराना नगर परिषद कार्यालय में अजमेर संभाग के पर्यवेक्षक ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया। धौलपुर में बाड़ी कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में तैनात कंप्यूटर आधार ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला। बाड़ी सरमुथरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। धौलपुर में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा और वारदातों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विशेष निर्देश जारी करते हुए जिले के सभी थानों की पुलिस को विशेष निगरानी बरतते हुए आदेश दिए।